गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, दैट इज सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ऑन मेनी ऑकेजंस नॉलेज ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स मे थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स एंड द साइड्स। अब जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स के बाहर के साइड होते हैं। जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, ये जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल है और मेरे पास में ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स सारे क्या हैं, इंटीरियर्स हैं। जैसे मैंने नाम लिखा ए बी एंड सी, और एक ये एंगल बाहर की तरफ है और ये यहाँ पे मैंने इसका नाम लिख दिया डी। तो मेरे पास में जो एंगल ए है इन अंदर, बी है और सी है, ये तो मेरे क्या है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। बट एंगल ए सी डी जो है वो मेरा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, वो मेरा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, मतलब बाहर के साइड का एंगल है। तो मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर में क्या डिफरेंस है, जो एंगल अंदर की तरफ बनते हैं वो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, जो एंगल बाहर की तरफ बनते हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास में आपके पास मेरे पास में ये डायग्राम दिया हुआ है और मेरे पास में यहाँ पे कितने 5 एंगल्स हैं एक्सटीरियर में, देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4 और ये 5, मतलब ये बाहर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है। तो जब भी क्या होता है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360, मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब एक्सटीरियर सभी का एक्सटीरियर कितना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5, इन सब का एक्सटीरियर एंगल जो है ये सारे, इनका जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा, 360 के डिग्री के बराबर होगा, जो कि आपके यहाँ पे दे रखा है। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री, मतलब किसी भी पॉलीगॉन जिसका एक्सटीरियर एंगल्स आपको दे रखा, तो उनका सभी का सम किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड मेजर एक्स, अब यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें कि आपको 90 दे रखी है, 50 दे रखा है, 110 दे रखा है और आपके पास में एक्स है, ठीक है। तो एक्स प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 इक्वल टू 360, सो एक्स प्लस 250 इक्वल टू 360, सो एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 360 माइनस 250, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री आ गई। समझ में आ रहा आपको, ऐसे आपको इस चीज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स निकालना है मुझे, जिसमें कि मुझे क्या पता है कि जो उसका जो हर एक एंगल का मेजर कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, किसका एंगल, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एंगल जो भी एंगल दिया हुआ वो, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 45, तो इसका आंसर आता है कितना, 8। तो कितना, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे मेरे पास में, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल टू 8। तो मेरे पास में जो n की वैल्यू जो मेरे पास मिलती है वो कितनी मिलती है, 8 मिल जाती है। समझ में आ रहा है आपके पास में। आपको एक्सरसाइज पे आइए, एक्सरसाइज 3.2 क्या कहता है कि आपके पहले वाले डायग्राम में यहाँ पे 125 है और यहाँ पे मेरे पास में 125 है और मुझे यहाँ पे एक्स दिया हुआ है और मुझे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बताया था आपको कोई भी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 के बराबर होता है। तो इसको ऐड कीजिए, 125 प्लस x, ठीक है, प्लस x इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब ऐड करते हैं तो 125 250 होता है, प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री, सो x इक्वल टू 360 माइनस 250, तो आपके पास आंसर आता है 110 डिग्री आपको आंसर आता है, ठीक है। सुन मैं नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डायग्राम है जिसमें यहाँ पे आपको 90 डिग्री है, यहाँ पे 70, यहाँ पे x और यहाँ पे आपको वो सेम 90 डिग्री है और यहाँ पे आपको 60 डिग्री है। अब इसको आंसर निकालना है तो आप सेम चीज़ करेंगे, 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री आपका ये होता है, ठीक है। तो इनको ऐड करते हो तो 310 आता है और यहाँ पे मेरे पास में x है और ये इक्वल टू कितना हो गया, 360 हो गया।
तो x इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में 360 माइनस 310। तो इसको जब मैं करती हूँ तो 360 में से 310 माइनस किया तो कितना हो गया आपके पास में आंसर 50 आंसर आ गया आपका। तो इसका आंसर हो गया आपके पास में 50 डिग्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब आपको क्या करना, हर एक जितने भी साइड्स देख रही दे रखी हैं उनके एक्सटीरियर एंगल निकालना है। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके पास में फॉर्मूला है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एन। एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है, तो जैसे 9 के लिए बोल रहा है, जैसे फर्स्ट वन कर रही हूँ 2 का, तो मेरे पास में कितना आएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 9, तो मेरे पास में कितना आता है 40 डिग्री एंगल आता है। ठीक है, और अगर मैं 15 साइड्स के लिए करती हूँ तो कितना आता है 360 डिग्री अपॉन 15, तो मेरे पास में कितना आता है 24 डिग्री इसका एंगल आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। आप बताइए कि कितनी साइड्स होती हैं एक रेगुलर पॉलीगॉन की इफ उनका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है 24 डिग्री है। तो मतलब क्या कीजिए, डायरेक्ट 360 डिग्री में से 24 को डिवाइड कीजिए तो आपके पास में कितनी आती है 15 साइड्स आती हैं। ठीक है, 15 साइड्स आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, मैंने अभी 15 साइड्स वाला किया था इसलिए मैंने डायरेक्ट ये फटाफट कर दिया। No, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165? आपका जो इंटीरियर एंगल है कितने का है 165 का है। तो पहले एक्सटीरियर एंगल निकालिए, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे 180 में से 165 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है 15 डिग्री। अब क्या करेंगे 360 को डिवाइड कीजिए 15 से तो आपके पास में आता है 24, जो कि क्या है 24 साइड्स आएगी आपके पास में, कि 24 साइड्स बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, वाई। अभी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो 22 डिग्री जो है एक परफेक्ट मल्टीपल नहीं है 360 का, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं बना पाता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, तो इंटीरियर एंगल अगर मान लो उसका 22 डिग्री होता है तो वहाँ पे भी पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल एज 360 इज नॉट अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 158। तो इसलिए जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है इंटीरियर एंगल निकालें तो 180 में से कितना 22 माइनस करोगे तो कितना आएगा 158 आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो मिनिमम जो एंगल इंटीरियर एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री और मैक्सिमम होता है 120 डिग्री। ठीक है, तो मिनिमम जो होता है मिनिमम पे आता है 180 डिग्री माइनस 120 मीन्स 60 डिग्री मिनिमम एंगल होता है। ठीक है, और मैक्सिमम जब जाना है तो मैक्सिमम के लिए होता है मेरे पास में 120 डिग्री। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि मिनिमम सबसे कम से कम 60 होता है और सब ज़्यादा से ज़्यादा 120 होता है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, कितने काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर होते हैं, क्या होते हैं, कैसे करना है, ये सी चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए देखिए नीचे है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द साइड्स और एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इट गेट्स स्पेशल नेम। अब इनकी साइड्स और इनके एंगल्स की वजह से इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है। तो पहला नाम है ट्रेपीजियम का। ठीक है, ट्रेपीजियम वो चीज़ होती है, ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटर होता है जिसमें क्या होती है कि सिर्फ आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो सिर्फ पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं बट इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा ये डायग्राम दिया दीज आर ट्रेपीजियम, ये सारे के क्या हैं ट्रेपीजियम हैं, दीज आर नॉट ट्रेपीजियम और ये ट्रेपीजियम नहीं है। ठीक है, ये ट्रेपीजियम नहीं है क्योंकि ट्रेपीजियम का एक बेसिक डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो आपका ये होता है कि ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है पर इक्वल नहीं होती है, सिर्फ पैरेलल होती है और ये इससे ऐसे मिला होता है और ये इससे ऐसे मिला होता है। मतलब इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, सिर्फ ये साइड और ये साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। ठीक है,
और बाकी सारी ऑल साइड्स क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, ये आपके पास में डायग्राम है, ये आपके पास में 3 सेंटीमीटर साइड्स हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और इनको इस तरह से अरेंज कर रखा है। तो मतलब एक ट्रेपेज़ियम में कितनी साइड, कितने ट्रायंगल्स निकल सकते हैं, 3 ट्रायंगल्स निकल सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, टेक 4 सेट स्क्वायर्स फ्रॉम योर एंड योर फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस, यूज डिफरेंट नंबर्स ऑफ देम टू प्लेस साइड बाय साइड एंड ऑब्टेन डिफरेंट ट्रेपेज़ियम। अब वो क्या है, आपका जो सेट स्क्वायर का जो है वो आपका भी लीजिए और आपके फ्रेंड का भी लीजिए और उनको एक साथ जोड़ कर देखिए कि कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है काइट, क्वाड्रिलेटर का दूसरा आता है, पहला होता है ट्रेपेज़ियम, दूसरा होता है काइट। काइट तो आपने देखी होगी, आपका काइट उड़ाते भी हैं। काइट का जो शेप होता है वो एटलीस्ट आपके पास में 2-4 ट्रायंगल बनाता है, ठीक है। काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर होता है। द साइड्स विद द सेम मार्किंग्स इन ईच फिगर आर इक्वल। अब जैसे ये काइट है, ए बी सी डी, ये काइट है जिसमें ये साइड के इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। मीन्स ए बी जो है ए डी के इक्वल होती है और बी सी जो है सी डी के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये सारे जो फिगर्स होते हैं वो काइट कहलाते हैं और ये जो फिगर्स हैं काइट नहीं कहलाते, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तो साइड होगी बट ये कौन सा कट हो गया, ठीक है। ये ऐसे पॉइंटेड होता है, मतलब यहाँ पे 4 साइड्स की, पर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 5 साइड्स है। ये अपना एक पैरेललोग्राम है, ये भी कोई डिफरेंट शेप है, तो इसलिए ये काइट्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, काइट हैज 4 साइड्स, काइट जो होती है उसके 4 साइड्स होते हैं। देर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंजुगेटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, और इनकी जो होती है कि जो साइड्स जो होती हैं उनके 2 डिस्टिंक्ट कंजुगेटिव पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स के होते हैं। मतलब इनके क्या होते हैं, कंजुगेटिव इक्वल साइड्स नहीं होती हैं, मतलब दो साइड्स जो आमने सामने जो साइड्स होती हैं, दो ऊपर की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और नीचे की 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। सो मैं आपको नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटर, एक पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटर होता है। एज द नेम सजेस्ट इट हैज समथिंग टू डू विद पैरेलल लाइंस, और ये इसलिए नाम किया गया है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पैरेलल साइड्स यूज होती हैं, इसलिए इसको पैरेललोग्राम का नाम दिया गया है। यहाँ पे 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे ये और ये पैरेलल लाइंस होती हैं और ये पैरेलल लाइंस होती हैं, मतलब 2 तो पैरेलल लाइंस ऐसे चलती हैं और 2 पैरेलल लाइंस ऐसे चलती हैं, ठीक है। ये होता है पैरेललोग्राम्स, तो जिसमें कि जैसे ये डायग्राम है, इसमें ए बी जो है पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है। इसमें देखिए, ये जो है ये ट्रेपेज़ियम का शेप होता है, इसमें ए बी जो है सी डी के पैरेलल होती है और बाकी कुछ नहीं होता। तो पैरेललोग्राम वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट 2 पेयर्स बनते हैं पैरेलल लाइंस के, ठीक है। जैसे ये है, इसमें एल एम जो है ओ एन के पैरेलल होता है और एल ओ जो है एम एन के पैरेलल होता है। इसमें देखिए, इसमें क्यू पी जो है वो एस आर के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये क्यू एस जो है वो पी आर के पैरेलल होती है, ठीक है। अब बात आती है, दीज आर पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम्स हैं, दीज आर नॉट पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बोलता है, अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब बात आती है एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं पैरेललोग्राम में, वो बताना है आपको। तो जैसे यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम का डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास में क्या क्या होता है, तो इसमें बोल रहा है अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स। तो इसमें अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स कैसे हुआ, कि इसमें जैसे डायग्राम है, इसमें क्या होता है कि ये जो साइड होती है, ये साइड इसके अपोजिट होती है और ये साइड इसके अपोजिट होती है, ये एंगल इसके अपोजिट होता है और ये एंगल इसके अपोजिट, मतलब आमने सामने, ठीक है। तो ए बी एंड सी डी आर अपोजिट साइड्स, ए डी एंड बी सी फॉर्म अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है। एंगल ए और सी और एंगल ए बी और डी आर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है जो दो लाइंस आपस में एक साथ जुड़ी होती हैं, जैसे कि ये कॉर्नर होता है ये, ठीक है, जो उल्टा एल या सीधा एल कैसा भी तिरछा एल ऐसे बनाता है या फिर ऐसे बनाता है या फिर ऐसे बनाता है, ठीक है, या फिर ऐसे बनाता है, ये सारे के सारे जो शेप होते हैं इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स,
ठीक है, एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं और इनको एडजेसेंट एंगल्स भी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये देखो, ये ए बी और बी सी एक एडजेसेंट साइड हो गई, ठीक है, फिर बी सी सी डी हो गई, फिर ठीक है, फिर सी डी ए डी ए हो गई, फिर डी ए इक्वल टू ए बी, ऐसे करके ये एडजेसेंट साइड्स बनती है। तो कितनी एडजेसेंट साइड्स होगी, एक, फिर दो, फिर तीन और ये फिर ये चार, चार एडजेसेंट साइड्स बनती हैं, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल्स का मतलब ए और बी, जैसे अब इस लाइन पे ए और बी, ये दो एडजेसेंट एंगल्स हो गए, इसमें बी और सी हो गए, इसमें सी और डी हो गए, इसमें ए डी और ए हो गए, ठीक है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनको ये हैं एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स, आमने सामने वाले जो अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स होते हैं वो अपोजिट साइड्स और एंगल्स कहलाते हैं। एडजेसेंट एंगल्स और एडजेसेंट साइड्स का मतलब जो क्या बनाते हैं, एल एडजेसेंट साइड्स मतलब जो उल्टा एल, सीधा एल, कैसा भी एल शेप बनाता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। और एडजेसेंट एंगल्स मतलब जहाँ पे एक लाइन पे दो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी क्या कहती है, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो हरदम क्या होती है, इक्वल लेंथ होती है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, वो इक्वल लेंथ में होती हैं, ठीक है। अब आपके पास में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर निकालना है किसका, पैरेललोग्राम का, जिसमें कि पेरीमीटर का मतलब होता है कि सारी साइडें जितनी भी साइडें होती हैं उनका सबका एडिशन। तो पैरेललोग्राम में टोटल फोर साइड्स होती हैं, तो फोर साइड्स का एडिशन मतलब आपको क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम बताता है, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे पी क्यू 12 है, क्यू आर 7 है, तो ये 12 है तो ऑब्वियसली ये भी कितनी होगी, 12 होगी, और ये 7 है तो ये भी 7 होगी। अब पेरीमीटर निकाल लीजिए, तो 12 + 12 + 7 + 7 तो कितना हो गया, 38 हो गया, क्योंकि 12 कितना हो गया, 24 और 7 7 14, तो कितना हो गया, 38 आपको आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलिए अब बात करते हैं एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, और इसके जो आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इक्वल होते हैं। जैसे इसमें मैं बताऊँ तो पी और आर इक्वल हैं और यहाँ पे क्यू और एस इक्वल है, ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखिए ये जी डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, और 3 जो है वो 1 2 के इक्वल है, 3 है जो 4 के इक्वल है, ऐसे क्रॉस में, ठीक है। तो वो कहलाते हैं क्या, एंगल अपोजिट एंगल्स, जो कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अभी ये डायग्राम है बी ई एस टी, एक डायग्राम दे रखा है, उसको पैरेललोग्राम नाम दे रखा है, बी ई एस टी एक नाम है पैरेललोग्राम का। फाइंड द वैल्यूज एक्स वाई एंड जेड, अब आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें कि आपके पास में एक्स जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, वाई 100 डिग्री और जेड 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आमने सामने वाली वैल्यूज़ वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अगर ये 100 है तो ये भी कितना होगा, 100, तो एक्स कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका 100 आ गया, ठीक है। अब ये जो आ गया, ये आपका आ गया 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है, सॉरी 100 डिग्री आ गया। अब आपको ये चीज़ निकालनी है, तो किसी भी इस पर क्या होता है, किसी को भी एक स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180, तो 100 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, सो जेड इक्वल टू 180 माइनस 100 तो 80 आंसर आता है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई, ठीक है। तो अब ये आपको पता ही लग गया कि जो अब 80 आ गई, तो अब जेड अगर 80 है तो वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 80, तो आपके पास वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, ठीक है। अब तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जेड ये मिल गया, ये मिल गया, और एक्स आपको ये दिया, ये सामने अपोजिट साइड से अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, तो इसे 100 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, कैसे होते हैं, देखिए ये रिंग आर आई एन जी करके एक नाम दिया पैरेललोग्राम का, इसमें ये जो एंगल है वो 70 डिग्री है, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स, अब आपको बाकी सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है।
पहले तो बात यह है कि आर अगर है, जो एंगल आर है, वो एंगल आर जो है वो एंगल एन के इक्वल है, मीन्स आपका एंगल एन भी कितना हुआ 70 डिग्री, तो ये आपका आ गया 70 डिग्री आ गया। ठीक है, आप क्या करो 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 110 डिग्री। तो आपका जो एंगल आई है वो किसके इक्वल है, एंगल जी के इक्वल है, और ये जो मैंने निकाला वो एंगल आई निकाला था, तो ये एंगल आई और जी कितना हो गया 110 डिग्री होगा। यही आपका पॉइंट करना था कि ये जो है वो 110 डिग्री है और ये भी आपका 110 डिग्री है, ये आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, नाउ अब डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के डायगनल्स कैसे होते हैं, डायगनल्स मतलब जो ए से सी को ज्वाइन करे और जो बी से डी को ज्वाइन करे, ये आपके क्या कहलाते हैं, डायगनल्स कहलाते हैं। डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, जो डायगनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ पे एक दूसरे को, जैसे ए को सी से काट रहा है, बी को डी से काट रहा है, और एक पॉइंट पे काट रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, ओ बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हेल्प H E L P, हेल्प एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और जिसमें गिवन दैट ओ ई इक्वल टू 4, एच एल इक्वल इज 5 मोर देन पी ई, फाइंड ओ एच। अब आपको क्या निकालना है, ओ एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जिसमें कि जो एच एल है वो 5 मोर देन पी ई है, जो पी ई जो है उससे 5 मोर देन है। ठीक है, तो आपके पास में क्या पता है कि ओ ई की जो वैल्यू है वो मेरे पास में कितनी है, 4 है, और ओ पी की जब यहाँ पे ओ ई यहाँ पे 4 है, तो ये भी मेरा कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, ये 4 है तो ये भी मेरा कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब एच एल निकालना, एच एल की जो वैल्यू है वो मेरे पास में ये दे रखी है 5 मोर देन पी ई है। ठीक है, तो एच एल जो है वो है 5 प्लस पी ई, पी ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 8, तो 5 प्लस 8 मेरे पास कितनी आ गई, 13 आ गई, तो एच एल की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी। अब मुझे निकालना है ओ एच, ओ एच निकालने के लिए क्या करो कि इसका हाफ कर दो, तो 13 का आधा कर दो, तो कितना होगा, 6.5, मतलब ये भी 6.5 की हुई और ये भी 6.5 की हुई, 6.5 कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, समझ में आया आपको, ये आपकी अब तक मैंने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, और इसके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं आप करिएगा एक बार करके, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन पे डाउट है। मैंने मोस्टली जितने क्वेश्चन करवाने थे सारे मैंने एग्जांपल के सॉल्व किए हैं, यहाँ पे भी आप चेक कीजिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा। मैं हो सकेगा तो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करवा दूंगी, अगर क्योंकि यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे बहुत कम स्पेस होता है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में आपको ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करवाऊं। अदरवाइज आप भी एक बार अपने आप से भी ट्राई कीजिएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।